हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एपिकल डोमिनेंस मीन्स ऑप्शन नंबर वन सेपरेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ एपिकल बर्ड बाय एक्सिलरी बर्ड्स, ऑप्शन नंबर टू सेपरेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स बाय द प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड, ऑप्शन नंबर थ्री स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स बाय रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड, ऑप्शन नंबर फोर इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स बाय रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड। The key concept of this question is physiological function of apical dominance in auxin। auxin maintains apical dominance this means एपिकल बर्ड प्रेजेंट एट द टिप सप्रेसेस द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। दिस इज शोन इन डायग्राम नंबर ए। इन डायग्राम नंबर बी when apical bud is removed growth of lateral buds start। सो हमारा जो पहला ऑप्शन है सप्रेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ एपिकल बर्ड बाय एक्सिलरी बर्ड, ये ऑप्शन गलत होगा। एपिकल डोमिनेंस में ऐसा नहीं होता। सप्रेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स बाय द प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड, ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। एक बार थर्ड और फोर्थ ऑप्शन की तरफ भी बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन है स्टिम्युलेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स बाय रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड, ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ द एक्सिलरी बर्ड्स बाय रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड, एपिकल बर्ड प्रेजेंट होगा तभी तो जो है वो एपिकल डोमिनेंस होगी। हेंस आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर टू सप्रेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स बाय द प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।